गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। और अपने याक होटल में रुके हुए रात को। आई थिंक मैंने गुड नाइट नहीं करा था, खा पी के थक गए थे, सो गए थे यार। एंड अभी सुबह के 6:15 बजे हुए हैं और 8:30 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि आज ले जाना है। किलोमीटर काफ़ी आज कवर करने हैं और कल से ज़्यादा करने हैं, और बीच में कुछ स्ट्रेचेस भी काफ़ी ख़राब हैं, जैसे जरचू टू पांग काफ़ी ख़राब है। 12 लाचला का जो डिसेंट है, 12 लाचला से जब उतरते हैं वो काफ़ी ख़राब है। प्लस आज के रास्ते में काफ़ी फ़ोटो और वीडियोस के भी पॉइंट आएंगे, तो उसमें भी टाइम लगने वाला है आज काफ़ी। बाकी नीचे बाइक्स खड़ी हैं दोनों अपनी, वो आपको दिख रहे होंगे पीछे वाले वाले। एक फ्रेश वाली फीलिंग आती है, थोड़ी खिड़की खोलूं। एक जैसे फ्रेशनेस वाली फीलिंग नहीं होती, जैसे पहाड़ों में एकदम चकाचक सुबह उठे हो तो एकदम फ्रेश एयर, यू नो, फील डिफरेंट, यू फील लाइक भर भर के ऑक्सीजन है। वो बात अलग है कि थोड़ा 10-11 हज़ार फीट पे ऑक्सीजन कम है, बट स्टिल यू फील फ्रेश। थोड़ा सा व्यू एक बार आप देखो, बाकी एक तो टाइम लैप्स सभी कुछ लगाता हूँ यहाँ पे, और फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा सा सामान वामान इकट्ठा करना स्टार्ट करता हूँ और नीचे चलता हूँ। आई एम प्लानिंग टू टेक सम ड्रोन शॉट ऑल्सो यहाँ से। पहले मेरे को बैटरी तो मैंने चार्ज करनी है ड्रोन वाली, कल रात को थोड़ा आलस करके नहीं निकाला। एक्शन कैमरा की तो सारी कर ली थी, पर ड्रोन की 3 बैटरी है मेरे पास, सो एक बैटरी इज ड्रेन्ड आउट, उसको चार्ज करना है, और एक मैं यहाँ यूज़ करूँगा तो वो भी मेरे को लगता है आधी तो यूज़ हो ही जाएगी। सो दैट आई विल फिगर आउट। बाकी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम जिस्पा एट अराउंड 11,000 फीट। बाय बाय। ओहो क्या बात है, एकदम गर्म पानी आ रहा है। हाँ हाँ Yes, yes, yes.
तो गाइस इट्स टाइम टू से बाय। चलो भाई वापसी में मिलता हूँ। तो ये यक होटल था आपका चिस्पा में और मेरी तरफ से थम्स अप है। थोड़ा सा नेचुरली अब यहाँ पे यार चीज़ें तो महंगी होंगी, मतलब ऐसी जगह पे जैसे कि नॉर्मल खाना तो ठीक था पर अगर आप नॉन वेज ऐसी डिश विश लोगे तो महंगी है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे चिली चिकन लिया था हमने एंड दैट वाज लाइक फुल 600 रुपये का, मतलब हाँ मतलब ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ जब बजट वाला वीडियो बनाता हूँ कि यार ये तो आपके ऊपर है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सो इट डिपेंड्स, बजट उसी हिसाब से हो जाता है। बाकी खाना टेस्टी था, रात को दाल वाल खाई थी हमने और आलू गोभी बनाया था, मतलब जहाँ पे जैसी जगह पे उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था। सुबह सुबह के नज़ारे इंजॉय करिए आप। 8:30 बजे निकले हैं हम जिस्पा से, 8 बजे हमें निकलना था तो कोई बात नहीं, आधा घंटा है तो इस ओके। काफ़ी होटल्स हैं जिस्पा में, मतलब भरे पड़े हैं, इसका भी काफ़ी नाम सुना है मैंने, पद्मा लॉज जो यहाँ पे। तो अभी हम दारचा जाएंगे, दारचा पे चेक पोस्ट होगी, वहाँ पे फिर से एंट्री होगी, बाइक वाइक की वो एंट्री करते हैं एंड वो इसलिए करते हैं क्योंकि 12 लास्ला जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो काउंट रखते हैं कि कौन कौन गया है और फिर दूसरी साइड भी चेक होता है कि कितने लोग आए हैं, कोई बीच में अटक तो नहीं गया, कोई फंस तो नहीं गया, पहुँचा नहीं पहुँचा, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और फिर दारचा से हमारी 12 लास्ला की चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, द माइटी द फेमस द इंटरेस्टिंग द आउट ऑफ द बॉक्स पास 12 लास्ला। कुछ बाइकरों का अपना गैंग जा रहा है, बुलेट गैंग आई थिंक। सुबह सुबह गाइस पहुंच गए हैं हम दारचा, ये ब्रिज काफ़ी बन गया है, बहुत सालों से बन रहा है। ये तो सालों से आई थिंक 10 साल से ऐसा ही है, यहाँ पे नीचे से जाना पड़ता है। वो ब्रिज काफी सालों से बन रहा है जो मैंने आपको भी दिखाया था बड़ा वाला, उधर जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं ना कोई अच्छा रीजन ही होगा जो नहीं बना अभी तक।
तो गाइस थोड़ा सा ही बारचा डाला जब आप दारचा से निकलते हो एंड ये देख रहे हो आप चिका जंस्कार सुंडो, ये वो रास्ता है जो शिंकुला जाता है। अभी तक ये पाडुम से कनेक्टेड नहीं है बट या सो ये है आपका शिंकुला। और यहाँ से हम राइट लेंगे तो अपना ले चले जाएंगे, और पहले ये रोड आई थिंक चीका तक ही जाती थी क्योंकि चीका 10 किलोमीटर है यहाँ से, फिर ये शिंकुला के लिए बनना स्टार्ट हो गया था एंड देन पाडुम। जब ये पूरा कनेक्टेड हो जाएगा आई टेल यू दिस विल बी वन ऑफ वेरी फेमस रूट हो जाएगा ये वाला। किलर मशीन है ये, ऑफ रोडिंग में भी ना मतलब मज़ा आ जाता है सीरियसली। मतलब इट्स रियली बैड रोड्स और ऑफ रोड, मतलब इतना प्लेन भी नहीं है पर आई एम डूइंग लाइक 40-45 अर्लियर, इट्स फन बट इट्स नॉट फन एट द एंड ऑफ द डे यार, जब पूरा दिन थक जाते हो। सुबह सुबह इट्स फन, आई थिंक वाटर क्रॉसिंग है। यस, ये अगर आप जून वून में आओगे तो यहाँ पे काफ़ी पानी होता है, अभी थोड़ा कमी है पर स्टिल वाटर क्रॉसिंग, तो वाटर क्रॉसिंग ही है। टेक योर टाइम, ज़्यादा एकदम बाइक के पीछे जस्ट बाइक मत चलो क्योंकि जो सामने वाला है वो अपने हिसाब से निकालता है, शायद वो आपका हिसाब नहीं हो, तो अगर आप बिल्कुल पीछे चलोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं रास्ता, यू नो। हैंडल सीधा रखने की कोशिश करो जितना हो सके, बिकॉज अगर आप तिरछा रखते हो ना तो, और अगर आगे आपका हैंडल तिरछा है, वैसे बिल्कुल स्ट्रेट हर टाइम नहीं रख सकते हो बट ट्राई इट, अगर तिरछा होगा और बम्प आएगा एकदम से तो डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज आपका हैंडल टेढ़ा है। आई नो इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग, तो पानी भी नहीं था शायद, अब डिपेंड करता है, मैं बहुत बार से कर रहा हूँ तो शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये इतना मुश्किल नहीं था, बट इफ़ यू आर फर्स्ट टाइमर्स टेक योर टाइम, यू नो मेरा वीडियो ज़रूर देखेगा जो वाटर क्रॉसिंग के ऊपर मैंने बनाया प्रॉपर, जिसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया हाउ टू क्रॉस अ वाटर क्रॉसिंग। ये थोड़ी और बड़ी रिवर क्रॉसिंग,
दीपक ताल है भैया, देख लो पानी है इसमें हरा हरा। भाई लोगों पहुंच गए हैं जिंग जिंग बार। क्यों इसको जिंग जिंग बार बोलते हैं मेरे को पता नहीं, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। छोटी मोटी टपरी है यहाँ पे, अगर कभी फंस जाओ तो अंदर बेड वेड टाइप क्या होते हैं जैसे अपने पांग वांग में उस टाइप का मिल जाता है। व्यूज आर अमेजिंग, छोटे से बाल, हल्की सी बर्फ, नोकीले पहाड़, चकास। अब आप देख लो ये जो व्यूज हैं, मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ आओगे तो इन्हीं चीज़ों के लिए आते हो, है कि नहीं? यू इन्वेस्ट मनी, टाइम, एनर्जी और मतलब एफर्ट, इतना एफर्ट इन सब व्यूज के लिए ही है। भैया कौन सी जगह है ये? मतलब जिंग जिंग बार ही है ये, जिंग बार जो आपको मैंने दिखाया था उससे थोड़ा सा आगे है। कहाँ है? अभी बाहर लेके चलता हूँ अभी हम भाई साहब। भैया आपका नाम? तेंजिंग। तेंजिंग भैया चाय ने बनाई है, बहुत तोड़ू लग रही है। और मैं अपनी चाय ले लेता हूँ। समीक जी लुढ़क गए हैं। समीक ऐसे सिर नीचे करके मतलब कुछ तकिया लगा ले। तो हमें जिंग जिंग बार पे और अभी मैगी वैगी खाई है, ऑमलेट खाया, बस थोड़े से व्यूज थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ से निकलेंगे नॉन स्टॉप, बारालाचा क्रॉस करेंगे और फिर सीधे सरचू जाके क्रॉस करेंगे, जो अराउंड यहाँ से आई थिंक 2.5 घंटे लगेंगे हमें यहाँ पे, यहाँ से सरचू पहुँचने में। और अभी हम 12,000 से ऊपर ही हाइट पे हैं, सो वी शुड नॉट, मैं वैसे ही बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ तो अब सब कुछ हाइट पे ही है, पर स्टिल कीप मूविंग, पानी बहुत पियो और मतलब पानी से भी क्या है बॉडी ऑक्सीजन लेती रहती है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। और या समिक विद दिस मशीन एंड द फाल्कन, मज़ा आ रहा है, एकदम आइसोलेटेड लद्दाख वाले जोन में आ गए हैं, यू नो। दीज गाइज ये सब असम से हैं और ये असम से आ रहे हैं और 1 तारीख से निकले हुए हैं, ऑल गाइज 10 लोग हैं, इट्स ग्रेट मैन, असम से डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। सो या चलो चलते हैं, 12 लास्ट में मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है? सो गाइज बाय बाय। सो आई मेट दीज गाइज ऑल फ्रॉम असम, 1 तारीख से निकले हुए हैं और हैट्स ऑफ गाइज, स्टिक टुगेदर, बाय बाय, आई विल पुट ऑन द व्लॉग ऑल द बाइक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो गाइस इट्स टाइम टू से बाय बाय टू जिंग जिंग बार। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि सीजन इज गोइंग टुवर्ड्स द एंड और जिंग जिंग बार जो है इट्स नॉट अ वेरी फेवरेट और इम्पॉर्टेंट तो कह सकते हो, इस वेरी इंपॉर्टेंट बट इतना फेवरेट स्पॉट नहीं है क्योंकि इससे पहले ही जिस्पा और केलोंग लोग वहाँ रुक जाते हैं, पर देयर सम पीपल जिनको थोड़ा सा हाइट पे नोमैडिक बिल्कुल रुकना है या कोई फंस गया है तो उसके लिए एक अच्छा पिट स्टॉप है यहाँ पे जिंग जिंग बार पे। और इसी वजह से क्या है कि इनका सीज़न थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है बिकॉज जितने भी लोग कम होंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती चली जाती है, जैसे कि अभी आगे आके भरतपुर आएगा। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्योंकि अगर कहीं फंस जाओ रात को कुछ हो जाए तो यू नीड सम प्लेस टू स्टे, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अब 12 लाचला की चढ़ाई चल रही है, अब थोड़ी देर में मिलूंगा आपसे, थोड़ा सा खींच लेते हैं, ठीक है? ओके बाय। अब सितंबर हो गया, आप अभी भी ये बर्फ देख सकते हो जो विंटर्स में गिरी थी अभी भी यहाँ पे है,
मतलब इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि जून जुलाई में कितनी बर्फ़ होती है यहाँ पे। मतलब मेरे को तो इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग आए हैं उनको तो पता होगा कि मतलब यहाँ वॉल्स होती है वॉल्स, ये कुछ नहीं होता ब्राउन, यहाँ सिर्फ बर्फ़ होती है बर्फ़। और आप बर्फ़ में से बीच में से ऐसे रास्ता कटा हुआ है और बस रोड दिखती रहती है, दैट्स इट, दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। सुपर, मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो। हाँ, बारालाचला की जो चढ़ाई है जब आप मनाली साइड से आते हो तो रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है ऑलमोस्ट टॉप तक, फिर जब आप नीचे उतरोगे तब रोड ख़राब मिलेगी आपको। थोड़ी सी मैं अपनी बाइक की बात कर लेता हूँ, वर्सेस की रफ मिलेनियम फाल्कन, भाई आउट ऑफ द बॉक्स मशीन है यार, मतलब तबाही है ये तबाही। मतलब झकास, मतलब जिस चीज़ के लिए बनी है मतलब उसमें मतलब आउटशाइंस, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे पिकअप हो, चाहे इसकी क्रूजिंग स्पीड हो, चाहे इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो, चाहे इसका टॉर्क हो, सीटिंग पोस्चर हो, एवरीथिंग इज लाइक हैंडमेड फॉर ट्रिप्स लाइक दिस। और इसके सस्पेंशंस जैसे आपको पता हो या नहीं पता, इसके फुली एडजस्टेबल है, मतलब सॉफ्ट हार्ड हम कर सकते हैं फ्रंट के सस्पेंशन और पीछे के भी, तो इट्स लॉट ऑफ कस्टमाइज भी, आप कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन है अपने ही सेटिंग के हिसाब से, मतलब अपने वेट और अपने स्टाइल ऑफ राइडिंग के हिसाब से आप कर सकते हो चेंजेस, विच सूट्स यू, विच इज़ अ वेरी बिग प्लस। बस सामने कहीं बारालाचला है, आई थिंक 5-6 किलोमीटर बचा है, 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे सूरज, यहाँ ये रहा सूरज कुंड, ये पूरा बर्फ़ होता है, ये जमा हुआ होता है मतलब वाइट, और उस वाइट में आपको नीचे हल्का हल्का ये कलर दिख रहा होता है बर्फ़ के नीचे। दिखा देता हूँ आपको तसल्ली से, बस बारालाचला भी आ गया ऑलमोस्ट। मतलब आना कभी, जून जुलाई में भी ज़रूर आना गाइस, वो बर्फ़ देख के ना आप तबीयत खुश हो जाएगी। मैं एक दो बार पहले आया हूँ पर तब मैं यूट्यूब व्लॉगिंग नहीं करता था, तो उस टाइप की राइड्स हैं मेरे पास पर वीडियोज़ नहीं है। सो पहुँच गए हम बारालाचला गाइस, बारालाचला छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, एंड आगे बोर्ड होगा, देयर इट इज बारालाचला पास। के साथ फोटो तो बनता है,
भैया एक फोटो खींचते हैं। थैंक यू। मैं वो बारह लाशला पे, वो आप देख सकते हैं बारह लाशला का बोर्ड, जहाँ पे मैंने जब पिछली बार एक दो साल 2017 में आया था एक फ़ोटो खिंचाई थी इसके ऊपर चढ़ के, आप देख सकते हो फेसबुक पे। और इसका ऑसम हवा एकदम ठंडी है पर धूप निकली हुई है, तो इट्स लाइक अ मिक्स फीलिंग। वाह